और आपको बता दें, राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पीएम पद का उम्मीदवार मिलजुल कर तय होगा, ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों को साथ आने की जरूरत है। ये बात भी नीतीश कुमार ने कही। आपको मालूम है कल कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये बात कही थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे, तो अब उस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए। हम लोग तो वही तो कर ही रहे हैं ना कि जरा उन लोगों का अपना चल रहा है, तो हम लोग तो वेट कर रहे हैं। बाकी सब पार्टियों से भी बात हुई है, एक बार मिलजुल करके काम करने का और आगे करने का ये बात हो रही है। और जहाँ तक सवाल है मुख्यमंत्री, तो ही उन्हीं लोगों को तय करना है। आए वो झूठे मेरे बारे में चलता, हम तो कितना बार कह चुके कि हम भाई नहीं है, हमारी न इच्छा है न हम इसके लिए भी सब बात है। हमारी इच्छा तो एक ही है कि अधिक से अधिक पार्टियां मिल करके चले, और जब मिल करके चलेंगे तो मिलजुल करके और इतना अच्छा उनको मत आएगा और बहुमत होगा कि वो फिर शासन करेंगे और ठीक ढंग से लोगों के बीच में आपस की सहमति के साथ हम लोग देश के विकास के लिए जो योजनाएं तय करेंगे उसके आधार पर हम लोग पूरे देश को और आगे करेंगे। यही तो हम लोगों की इच्छा है। बीजेपी ने अब नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने नीतीश को उनकी हकीकत बता दी है, उनकी सच्चाई बता दी है, और साथ साथ बीजेपी ने भी कहा कि नीतीश प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बन पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।